Assalamualaikum everyone, welcome back to my new vlog, another day and the video. तो आज का vlog start करते हैं. उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. तो कल है ज़ारा की बर्थडे. पहले बर्थडे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रमज़ान. वैसे रमज़ान में आती है तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग. अच्छा तो आज के व्लॉग में ये है कि कल जाना है हैदराबाद. बर्थडे हम लोग हैदराबाद कर रहे हैं तो अभी करनी है पैकिंग. और मुझे अपने आईब्रोज भी सेट कराने हैं, थोड़ी सी अपनी फेशियल वगैरह भी लेनी है. फेशियल तो मैं ले नहीं सकी तो सोच रही हूँ घर पे ही ले लूँ. कल बर्थडे, टाइम कम है और आज के दिन काम बहुत ज़्यादा है. और रात को मामा पापा की एनिवर्सरी भी है जो कि मेरी मामा भूल चुकी हैं. एंड मुझे उनको विश भी करना है, सरप्राइज़ भी देना है. तो अब लेट्स सी के किस तरीके से सारी चीज़ें प्लान होती हैं. अच्छा मैं बैग वगैरह पैक करने लगी हूँ तो मैं निकालने लगी हूँ ज्वेलरी. मैं अपनी भी निकाल रही हूँ. मैंने तो सिर्फ एयरिंग्स पहने, बाकी अम्मी लोगों के लिए भी निकाल रही हूँ. और मामा के भी एयरिंग्स मेरे पास ही हैं तो वो भी निकाल रही हूँ. तो बस यहाँ पे मैं ज्वेलरी निकालती हूँ, फिर हमारा बैग है वो पैक करते हैं. अच्छा गाइज ये ना एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो दराज से मंगवाई थी. ये जो है ना वो मल्टी फंक्शनल जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपके सारे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, फेस पे जितना भी डर्ट होता है ना ये सारे क्लीन हो जाते हैं. ये मेरी तरफ से 1000 ऑफ टाइम जो है ना वो रिकमेंडेड है. बहुत ज़बरदस्त है. अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स होता है तो आप ये मशीन ले सकते हैं. इससे आपकी स्किन जो है वो अच्छे से क्लिनजिंग भी हो जाएगी और आपके सारे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाएंगे. लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, देखना हो तो देख लीजिएगा. मैं यही यूज़ करने लगी हूँ. यहाँ पे बस बैग में मैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट कपड़े और सारा के रख रही हूँ. और साथ में मैंने रख ली थी एक्सटेंशंस क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल बनवाना था. मोस्टली कभी अवेलेबल होती है सैलून पे, नहीं तो मैंने कहा चलो मेरे पास रखी हुई है तो मैं रख लेती हूँ. उसके अलावा परफ्यूम और ज़ारा के कुछ निकर्स. और सबसे ज़्यादा सामान जो है ना वो ज़ारा का, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ सिटी कुछ कर रहे होते हो ना फिर आपको ज़्यादा टेंशन होती है. अच्छा जी पैकिंग हमारी हो गई है. कपड़े हमने चेंज नहीं किया तो इन्हीं कपड़ों में हम लोग जा रहे हैं सैलून क्योंकि मुझे आईब्रोज बनवा के आने हैं. पहले तो टाइम आप लोग देखें, 2 बज रहे हैं और बस हम चलते हैं. अरे बाय बाय, मैं जा रही हूँ. चलो जाओ. चलो आ जाओ. चले जी, हम लोगों ने सामान लेना था अजवा से, वो भी हम लोगों ने ले लिया है. अभी हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं घर पे. आईब्रोज भी डन हो गए. केक लेना था एनिवर्सरी का, वो भी ले लिया है. अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं घर. अच्छा जी सुबह से अभी मैं ये खाने लगी हूँ पेटीज. और ये मैडम कह रही मैंने फीडर नहीं पीना, पेटीज खाने. अच्छा थोड़ा सा चेक कराती हूँ क्या अब इसको कोल्ड ड्रिंक नज़र आ गई होनी है. हाँ जी दूध नहीं पीना आपने ज़ारा. चलो जाओ अभी खेलो. रेडी हो गई हो आप? ये बटरफ्लाई दिखाओ. हारिस आवाज़ तो कम करो. ज़ारा ज़ारा ये लो, फीडर नहीं पीना, चिप्स खिला दो इसको. फीडर नहीं पीना इसने. चलो जाओ, ये बर्थडे गर्ल है, कल हमारी गुड्डे की बर्थडे है. अच्छा जी आईब्रोज हमारे हो गए हैं. अब मैं करने लगी हूँ फेशियल हेयर रिमूव अपने. इसके साथ ही मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया है. अब हम हल्के हल्के हाथों से रिमूव करेंगे. चलें जी यहाँ से मशीन जो है वो ऑन हो जाएगी. और ये वाला हमने लगा लिया है. अब इससे जो है वो हम लोग रिमूव करेंगे वन बाय वन अपने ब्लैक हेड. आपने इस तरीके से करना है ठीक है, लेकिन मेक श्योर आपने स्किन पे पहले कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगाया हो और फिर वन बाय वन आपने इस तरीके से एक जगह पे आपने ये रोकना नहीं है ठीक है ना. बस इस तरीके से करते रहना है. और आपके जितने भी वाइट हेड्स होंगे ये देखिए, ये शायद अभी आपको नज़र नहीं आ रहे लेकिन ये सारे वाइट हेड्स आपके इसमें आ जाएंगे. ये देखें, फिर आप इस फिल्टर को वॉश भी कर सकते हैं और ये दूसरे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आप यूज़ कर सकते हैं. ये देखें सारे बाहर आ जाएंगे आपके वाइट हेड्स. चलें जी सारे हमारे वाइट हेड्स वगैरह हमने रिमूव कर लिए हैं. आप लोग देख सकते हैं ये चारों मैंने यूज़ किए थे ठीक है, जिससे आपके जो छोटे छोटे से वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं सारे रिमूव हो जाते हैं ठीक है जी. आपका पूरा फेस देखें क्लीन हो जाता है, जो भी डर्ट है सारा बाहर आ जाता है. तो ये एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, लिंक लगा दूंगी देख लीजिएगा. अच्छा जी तो अभी हम इस गुड्डे को लेके आए थे ऊपर, इसकी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी. मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ. ज़रा यहाँ देखें, ये देखें इसको एक ड्रेस आया था और मैं इसकी ना पिक्चर्स ले रही थी. और ऊपर ना अभी बारिश का भी मौसम हुआ है और मेरी हालत देखें
क्या जी, मैं मौसी बनी हुई हूँ। तो मैं आपको ज़ारा की दिखाती हूँ लुक, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अब कल कह रहे हैं बहुत तेज़ बारिश का, आई विश कि कल बारिश ना हो, आई विश कल बारिश ना हो। अगर बारिश होती है तो सारी बर्थडे हो जाएगी ख़राब। और अभी थोड़ी हम अपनी हालत सुधारते हैं। अभी मुझे करनी है वैक्स, और ज़ारा को मैं आपको दिखाती हूँ। जान का टुकड़ा कितना प्यारा लग रहा है बब्बू, इधर देखो, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो आओ नीचे, चलो मैं आपको बिस्किट खिलाऊं। चलो वो टेबल रख दिया। चले जी, सारे काम निपटा लिए, ज़ारा का दोबारा फ्रेश वगैरह करवाया, रेडी करवाया, खाना खिलाया, कुछ पिक्चर्स ली, और अभी हम लोग जा रहे हैं मामा के घर पे, क्योंकि आज मामा लोगों की एनिवर्सरी थी तो मैं बाहर गई थी, तो केक भी ले आई थी उनके लिए। और यहाँ पे इसकी मस्तियाँ चेक करें, नानू के घर पे आके इसकी वॉकर अपने नानू के घर पहुँचा दिए। गाड़ी हमारे घर पे है तो वहाँ पे खेलती रहती है, और वॉकर के यहाँ पे आके चलाती है, और खुश भी बहुत ज़्यादा होती है माशाल्लाह। यहाँ पे फिर अभी केक कटिंग होंगे। जितने आपके पेरेंट्स आपकी खुशियाँ कटते हैं, हम तो लगता है कि उनका 1% भी हक अदा नहीं कर पाते। लेकिन जब भी आपके पेरेंट्स आपको स्पेशल फील करवाते हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप जो है उनको स्पेशल फील करवाओ, कि उनको जो है फील हो कि वाकई उनकी औलाद को उनके होने ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और ना आज मामा बाबा को भी याद भी नहीं था उनकी एनिवर्सरी है, तो बस यहाँ पर मैंने सरप्राइज़ उन्हें दिया, और बस गिफ्ट में उनका नहीं लेके आई, तो गिफ्ट पेंडिंग है। अभी मैं अपनी शॉपिंग करने ईद की जाऊँगी, तो मामा पापा के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आऊँगी। और बस यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हुई, फिर मामा ने खाना मंगवा लिया, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पता था कि एनिवर्सरी होनी है, वरना उन्होंने घर में ही बना लेना था। फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और साथ में ब्रोस्ट ऑर्डर किए। और यहाँ पे मैंने सुबह से बस एक पेटीज खाया हुआ था। फिर यहाँ पे आप मेरा खाना चेक करें, कोई आके बैठा भी नहीं, मैंने खोला थोड़ी सी वीडियो बनाई। और अभी मामा ना सिर्फ प्लेट्स लेके आई नहीं, तो मुझे घड़ियों की यही कह रही थी सब्र कर लो, प्लेट्स आ रही हैं, आराम से उसमें खा लेना। लेकिन मुझे ये था क्योंकि लेट हो रहा था काफ़ी, 11 तो बज गए थे, मुझे ये था बस घर जाऊँ, जाके ज़ारा को सुलाऊँ, सुबह भी जल्दी उठना है। और आप देखेंगे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अल्लाह करे कल बारिश ना हो, वरना जो भी बर्थडे प्लान की हुई है ना सब इधर उधर हो जानी है। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, मैं घर जा रही तो आपको बाहर रोड पर दिखाया, और ज़ारा बस आती थोड़ी सी इसने ज़िद की, और 15 मिनट बाद ये सो गई। और यहाँ पर बस मैं कल की पैकिंग कर रही हूँ। पहले प्लान ये था कि सब लोग साथ जा रहे हैं, मामा लोगों को मैंने कहा था कि आप साथ ही चलना, उधर सैलून से रेडी हो जाना, लेकिन जिस सैलून मैंने जाना है वहाँ पे बहुत रश है, तो मैंने इनको कहा कि आप लोग यहाँ से ही रेडी होके फिर आ जाना, क्योंकि मुझे तो शूट भी कराना है, तो थोड़ा सा जल्दी रेडी होना पड़ेगा। तो मैं कह रही कि हम बस यहीं से रेडी होके आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो मामा लोगों का सामान पहले मैंने पैक किया था वो सारा निकाला, फिर कुछ मेकअप भी अपने साथ रखा कि अगर मामा लोगों को वहाँ पर टचअप करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको वहाँ पे जी मेकअप वगैरह कर दूँगी। तो बस जो पहली चीज़ें पैक की थी फिर उनको अनपैक की, और यहाँ पे सामान वगैरह रखा, और फिर ना कुछ हील्स भी निकाल दी थी मैंने कि जो भी अम्मी ने सुबह पहननी होंगी अपनी सिलेक्शन से पहन लेंगी, और बेबी बैग भी पैक कर दूँगी ताकि अम्मी वाले जब आएँ तो बस ज़ारा को रेडी करें और ले आएँ, कोई टेंशन ना हो सामान वगैरह रखने की। तो बस अभी यही था, बर्थडे की तैयारियाँ थी, एनिवर्सरी थी, बस आज पूरा दिन यही किया, कल इंशाल्लाह ताला बर्थडे। फिर आपको बर्थडे वाले ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।